हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी से, सुबह से, मॉर्निंग से। और आज डेट है 5 जून। आज है 5 जून और है सैटरडे। और कल मौसम शाम को इतना ठंडा हो गया, रात को इतना ठंडा हो गया, मतलब मुझे तो ठंड लगाई। मैं तो चादर ओढ़ के सो रही थी, लेकिन तीनों लोग, मयंक, रूही और उनके पापा जी, उन्हें पता नहीं कितनी गर्मी लग रही थी, कूलर चला के सोए थे। और अभी यहाँ का व्यू दिखाती हूँ आपको कि सब कितना तहस नहस कर दिया है कल के तूफान, आंधी ने, बारिश ने। ठीक है, ये देखिए, ये सीढ़ी और ये बल्लियां सीधे खड़े हुए थे, ये ऐसे गिर गए हैं। वो फोल्डिंग की प्लाई है, वो वैसे रखी हुई थी, वो भी उसके ऊपर गिर गई। और कल की वीडियो में मैंने दिखाया था ना कि हवा के जोर से ये जो ऊपर वाली टीन है फोल्ड होके, मतलब गिरने को तैयार थी। और उस बिल्डिंग के ऊपर वो देख रहे हो, उसकी टाइल्स गिर गई। और दिखाती हूँ, और उधर दिख रही है आपको ये वाइट टंकी किसी की उड़ गई। आसपास इतनी भयंकर तबाही मचाई है आंधी ने, बारिश ने, मतलब हमारी कॉलोनी में कई ने, जैसे गमले रख लेते हैं ना रेलिंग्स के साइड से या रेलिंग के ऊपर, थोड़ा ऐसे दीवार सी बनी होती है, दीवार उस पे रख लेते हैं ना गमले, वो भी गिर गए। तो बहुत जोर की आंधी तूफान थे कल। और अब भी सुबह ठंडा मौसम है, काफी अच्छा मौसम है। और वॉक भी मेरी कंप्लीट हो गई, अब मैं नीचे जा रही हूँ, बच्चों को जगाऊंगी, ठीक है, और ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं फिर। तो ये बच्चों के नाश्ता का टाइम हो गया है, इन्हें दूध और कॉर्नफ्लेक्स दे दिए हैं, लेकिन लाइट चली गई है और गर्मी इतनी है कि इनको थोड़ा बाहर की तरफ बैठा के इन्हें नाश्ता दिया है। और अभी ये दोनों नाश्ता कर रहे हैं, पता नहीं कब तक आएगी लाइट, बहुत मुश्किल हो रही है गर्मी में। हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मयंक और अभी शाम हो रही है। मैंने रूही ने अभी दूध पिया है और मम्मी ने चाय पी है। मम्मी अभी अपने बाल में तेल डाल रही हैं, तो हम आपसे छत पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। हम छत पे गए थे अभी थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट ही हुए होंगे मुश्किल से, और कल की तरह बारिश शुरू हो गई है जब से हवा चल रही थी, और अब बारिश शुरू हो गई है। मैं बच्चों को नीचे ले आई, मयंक तो देखो रोने लग रहा है, उसको ऊपर खेलना था इसलिए। अब क्या करें, बारिश है, नीचे आना पड़ा, वरना ऊपर ही खेलते। रो रहा है, मेरे को तो ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, अब इसको क्या बारिश में भेज दूँ? इसको हंसी आ रही है। अब बताओ, जब कल बारिश नहीं होगी, मैंने बोला इसको कि कल ज्यादा देर खेल लेना भाई, और क्या कर सकते हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये है संडे मॉर्निंग टाइम, छत पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं अपने पापा जी के साथ, और मैं वॉक कर चुकी हूँ। तो अभी रूही के साथ कर रही हूँ योगा, और थोड़ी देर ऊपर ही रेस्ट करूँगी, उसके बाद नीचे आ जाऊँगी डस्टिंग वगैरह करने, वो हो जाएगा, उसके बाद नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो नाश्ता में बनाए थे हमने हलवा चना, और बच्चों ने सिर्फ चाय के साथ हलवा खाया था और उनका पेट भर गया था। तो यहाँ पे एक तरफ मैं चाय बनाने रख दे रही हूँ और एक तरफ हलवा बनाने रख दे रही हूँ। हलवा बनाने में मेरे से थोड़ी सी गलती ये हो गई कि सूजी थी महीन वाली, मोटी वाली नहीं थी, मोटी वाली जो है जल्दी फूल जाती है पानी में, महीन वाली थोड़ा देर में
टाइम लेती है, उतना नहीं फूलती जितनी मोटी सूजी फूल जाती है, तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए मुझे पकाना पड़ा, उसमें टाइम लग गया। और मैंने पानी रखा था उसी हिसाब से कि मैंने कहा फूलेगी तो सही हो जाएगा, लेकिन इसने तो बहुत टाइम ले लिया क्योंकि महीन वाली थी। और एक चाय वाय बन गई थी तो एक तरफ हलवा बना दिया, एक तरफ चने छोंक दिए मैंने, सादा सिंपल। तो ये था हमारा संडे नाश्ता, और उसके बाद नाश्ता कर लिया सबने नहा धो के। ठाकुर जी के लिए सबसे पहले निकाल दिया था नाश्ता, चाय, हलवा, चना, प्याज डाली नहीं थी क्योंकि फिर प्रसाद नहीं लग पाता ठाकुर जी का, इसीलिए टमाटर में ही छोंके थे चने। और महेंद्र जी जो है नाश्ता करके तुरंत ऑफिस के लिए निकल गए थे, संडे था लेकिन फिर भी उन्हें जाना पड़ा क्योंकि बाहर का काम आया हुआ था तो जाना ज़रूरी भी था, इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ता करके निकल लिए। और दोपहर को 3 बजे के बाद लौटे थे, तब तक हम तीनों खाना खा चुके थे दिन में बना के। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है जो कपड़े पड़े थे नहाए थे सब, तो वो कपड़े वपड़े धोने के बाद मैंने अपना सर धोया, सर मैंने पहले नहीं धोया था। सर धोने के बाद मैंने जो है अपने फेशियल किट जो थी वो ढूंढी, उसमें एक दो चीज़ें बची हुई थी जैसे स्क्रब बचा था और क्रीम बची थी और थोड़ा सा पैक बचा हुआ था, तो वही मैंने यूज़ किया है। और आज अपना फेस क्लीनअप किया है, फेस क्लीनअप के बाद जो है बच्चों को हल्की सी भूख लगाई थी क्योंकि उन्होंने चाय के साथ सिर्फ हलवा खाया था, तो उन्हें बाद में चने दे दिए, चने में थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया था तो एक आलू काट के उसमें मिक्स कर दिया है मसाले बैलेंस करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ब्लॉग तो हमने कल सैटरडे को ही स्टार्ट कर दिया था और आज है संडे 6 जून और सारा काम हो चुका है, सब नहा लिए हैं, नाश्ता हो चुका है, अभी लंच नहीं बना है। और रूही मयंक ने सुबह चाय के साथ मतलब नाश्ते के साथ हलवा ही खाया था चाय के साथ, नाश्ते में चने नहीं खाए थे तो वो अभी दोनों चने खा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, सारा काम करके आई हूँ मतलब कपड़े वपड़े धो के, तो सोच रही हूँ 5 मिनट रेस्ट कर लूँ उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो खाने में आलू की सूखी सब्जी सोच रही हूँ बना लूँ क्योंकि चने के साथ आलू उबाल लिए थे 3-4, एक तो चने में ही डाल दिया, 3 बचे हुए हैं तो सूखी सब्जी बना ले रही हूँ प्याज टमाटर डाल के, सादा खाना। और इनके पापा जी को सुबह जल्दी मतलब ऑफिस से फ़ोन आ गया था अर्जेंट के आना है, इसलिए वो सिर्फ नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं, संडे है फिर भी क्योंकि काम आ गया था, इतने दिन से काम नहीं आ रहा था कंपनी में और अब आया है तो फिर जाना तो पड़ेगा ही, इसीलिए तो अभी हम तीनों ही हैं संडे पे, संडे को घर में। पापा जी इनके कितने बजे तक आएंगे कोई आइडिया नहीं है, अभी शाम भी हो सकती है नहीं तो अभी दोपहर में ही आ जाएंगे। और चलिए फिर मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे जो है आलू की सब्जी बनाने के लिए रख रही हूँ मैं, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हींग जीरा डाल दिया है, हींग जीरे के होते ही प्याज डाल दूंगी, प्याज को अच्छे से भून लूंगी एक चुटकी नमक डाल के, और प्याज के होते ही इसमें टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, उसमें भी एक चुटकी नमक डालूंगी ताकि वो भी अच्छे से हो जाएं। और इनके 50-60% पक जाने के बाद बेसिक मसाले डालूंगी जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, और उन मसालों को इसके साथ अच्छे से भूनूंगी। और इनके होते ही उसमें और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, गरम मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद आलू जो उबले हुए रखे थे उन्हें काट के पीस पीस करके इसमें मिला दूंगी अच्छे से, और 2 मिनट के लिए जो है ढक के रख दूंगी पकने के लिए। जब 2 मिनट तक ये ढक के पक जाएंगे तो इन्हें और 2 मिनट के लिए खुला करके पका लूँगी अच्छे से। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत कम टाइम में बन जाती है, अगर आपके पास उबले हुए आलू रखे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ये इंस्टेंट सब्जी है आप कह सकते हो। और पूरी, पराठे, रोटी किसी के भी साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। तो किचन का काम अभी हो गया है मतलब आटा लगा दिया है, सब्जी बन गई है, बर्तन
जो नाश्ते के पड़े थे वो साफ कर दिए हैं। मयंक रूही ने अभी टीवी बंद करी है, 2:30 बज गया है। कूलर चल रहा है तो हो सकता है पीछे से आपको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे, ग्र ग्र ग्र, तो थोड़ा सा मतलब मैनेज कर लीजिएगा। और अभी इन दोनों को पढ़ने बैठाती हूँ। 2-3 दिन से मतलब मैंने कहा नहीं तो अपने मन से बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बैठे हैं, बस इन्हें छत पे ले जाओ, ये इनके लिए जरूरी है, पढ़ना अब इनके लिए जरूरी उतना नहीं रह गया है। तो सबसे पहले इन्हें पढ़ने बैठाऊंगी। भूख अभी इनमें से किसी को लगी नहीं है, पापा जी इनके अभी है नहीं, तो इनके चक्कर में अभी मैं भी बना के नहीं खा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों नहीं खाएंगे तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बना के खा लूँ पहले, तो ये खाएंगे तभी बना लूंगी अपने लिए भी। तो चलिए इन्हें पढ़ाते हैं पहले। जैसा कि आप सबको पता है कि दोनों पढ़ने बैठे, और आपको मुझे सब दोनों को पता है कि पढ़ने बैठते तो इनका क्या होता है, या तो इन्हें सुसू आती है, या तो इन्हें प्यास लगती है, या तो इन्हें भूख लगती है। तो पढ़ते पढ़ते इन्हें भूख लगाई तो मुझे बीच में उठ के जाना पड़ा खाना बनाने के लिए, रोटियां सेकने के लिए। रोटियां सेक दी है मैंने और इन दोनों को खाना दे दिया है, और अब मैं भी खाना लेके बैठती हूँ, खाती हूँ, और आप लोग भी आ जाइए। सिंपल सब्जी रोटी और आम, तो आ जाइए आप सब भी, एंजॉय कीजिए लंच। इवनिंग टाइम, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। मैं मयंक रूही मतलब मेरे साथ ये दोनों एक एक करके खेल रही हैं। आप दोनों को बोला कि आपस में खेलो, मेरे को लग रही है गर्मी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। तो खेल कम रहे हैं, झगड़ ज्यादा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और वीडियो का कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पे अगर आप नए फ्रेंड्स हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।